लखीमपुर खीरी में सपा प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। इस दौरान आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए सपा प्रत्याशी के द्वारा मंदिर पर भंडारा भी करवाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस के मना करने पर विधायक प्रत्याशी ने पुलिस से भी हॉट टॉक की और पुलिस को अपनी लंबी पहुँच का हवाला देते हुए धमकाया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में पुलिस ने सपा प्रत्याशी विनय तिवारी सहित 20 ज्ञात व 100 अज्ञात के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन व महामारी अधिनियम सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। दरअसल गोला विधानसभा के सपा प्रत्याशी विनय तिवारी टेढ़ेनाथ मंदिर पर अपने समर्थकों के साथ पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। इसी दौरान बताया ये जा रहा है कि सपा प्रत्याशी के द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए मंदिर पर भंडारा करवाया जा रहा था। सूचना पर पहुंचे कोतवाली मोहम्मदी के इंस्पेक्टर विवेक उपाध्याय के मना करने पर सपा प्रत्याशी ने इंस्पेक्टर से भी नोकझोंक की और अपनी बड़ी पहुंच का हवाला देते हुए धमकाया भी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामले में पुलिस ने विधायक प्रत्याशी विनय तिवारी सहित करीब 20 ज्ञात व 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन व महामारी अधिनियम सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। वहीं सपा प्रत्याशी ने भी इंस्पेक्टर विवेक उपाध्याय पर भाजपा का एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगाते हुए अपना बचाव में वीडियो जारी किया है। लखीमपुर खीरी से हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट, SKH न्यूज। नहीं कर सकते हैं मंदिर में, प्रत्याशी समर्थकों को लेके नहीं कर पाएंगे आप अभी, ये मंदिर में समर्थकों को लेके नहीं चल पाएंगे। आप ये बताइए मंदिर में मैं पूजा नहीं कर सकता, आप पूजा करिए समर्थकों के सामने। आचार संहिता में आप बता दीजिए अगर धार्मिक हमारा प्रयोग जो बताइए है ये बताएगा मैं मंदिर में हूँ। मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी सोच लीजिए और आप ज्यादा ताव भी आता है हमारे धार्मिक स्थल पे आप समर्थकों के संग इस समय मर्जी है तो ये मंदिर दिख रही ना। मैं मंदिर जाऊंगा, मंदिर जाने से आप नहीं रोक सकते। हम आपको रोक रहे हैं, समर्थकों के संग यहाँ कुर्सी लगा के नहीं बैठ सकते। मंदिर से ही आया, ये आप यहाँ ओपन में सभा नहीं, आपको कौन सी परमिशन है? ये दुकानदार आपकी कौन परमिशन है? हमने अभी SDM साहब से पूछा है, कोई अनुमति आपको यहाँ पे नहीं है सभा लगाने की? हमको सभा लगाए हो, आपको पूछिए, हमको बताइए कौन सी अनुमति है आपकी? हम सिंगल बैठे, कौन सी अनुमति है? सिंगल बैठना, कौन सी अनुमति है? सिंगल बैठ, ये सिंगल की भीड़ है, ये सिंगल की भीड़ है, ये भीड़ है। आप लोग क्या चीज बैठे? मैं विनय तिवारी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूं। मैं आज टेढ़ेनाथ मंदिर में अपने परिवार के साथ और कुछ रिश्तेदार जो कि आए हुए थे रुद्राभिषेक करने गया था। वहां पर विवेक उपाध्याय जो कि मोहम्मदी के इंस्पेक्टर हैं उनके द्वारा अभद्रता की गई और उनका ये कहना था कि यहां पर सार्वजनिक आयोजन आपके द्वारा किया जा रहा है, जबकि मैं मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए गया था। वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और जो उनका रवैया है, जिस तरीके से वहां पर खड़े लोगों को, भक्तों को इन्होंने रगदा करके दौड़ा करके इन्होंने मारने और पीटने का काम किया है, ये बहुत ही निंदनीय कार्य किया है। चूंकि धार्मिक स्थल पर जो तीर्थ स्थान हमारे विधानसभा क्षेत्र का बहुत ही मशहूर स्थान है और वहां लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उस आस्था के साथ इस इंस्पेक्टर मोहम्मदी के द्वारा अभद्रता पूर्वक जो निंदनीय कार्य किया गया है ये बहुत ही घोर निंदनीय है, जिसका संज्ञान मैं माननीय चुनाव आयोग से ये एक अनुरोध के साथ करना चाहता हूं कि ऐसे इंस्पेक्टर को जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है उसको तत्काल प्रभाव से हटाने की जरूरत है।